आज आपको सभी आईटी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आप सबको बताने वाला हूँ कि आप सब पहले 2 साल के आईटी 2 साल के कोर्स में 4 सेमेस्टर होते थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर, उसके 4 एग्जाम होते थे। 6 महीने में एग्जाम वन फर्स्ट सेमेस्टर होता था, लास्ट में 6 महीने में सेकंड, 6 महीने में थर्ड और 6 महीने में 4 सेमेस्टर, ये पहले पैटर्न था। अभी वैसा नहीं है, अभी ये खबर आई है कि अभी 2 साल के आईटीआई में आपको 2 ही एग्जाम होने, वो 1 साल में पहला सेमेस्टर और बाकी के 1 साल में सेकंड सेमेस्टर आएगा, वो आपको 2 ही सेमेस्टर आएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई आपका कोई सब्जेक्ट पास नहीं होते तो आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे देते थे, अभी वैसा नहीं होगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोई विषय आपका कोई एग्जाम नहीं तो रद्द हुआ तो आपको 1 साल के बाद वो पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए 1 साल की ये आपका एक लॉस है। और जिसमें अभी पहले से था 6 महीने में एग्जाम आएगी पर पढ़ाई करनी पड़ेगा, ऐसा नहीं, अभी 1 साल में पढ़ाई करने का और फिर एग्जाम आएगी। इसीलिए आपको यह खबर अच्छी है। यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। थैंक यू।